पुष्कर कांग्रेस में चल रहे आपसी घमासान में अब नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत पर भी सियासत गर्मा गई। पूर्व पालिका अध्यक्ष दामोदर शर्मा के नेतृत्व में जब एक गुट ने ईओ की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए तो पार्षदों का दल ईओ के बचाव में पहुंच गया। कांग्रेस के इस गुट ने भी ज्ञापन देकर बताया कि यहाँ की कोई समस्या नहीं है, ईओ का कार्य बहुत सराहनीय है, पुष्कर के लोगों के सभी कार्य हो रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है। इन पार्षदों के अनुसार कुछ कांग्रेस के निष्कासित पदाधिकारी पार्टी की छवि खराब करना चाहते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और पुष्कर एक धार्मिक स्थल है और यहाँ एक बोर्ड से कांग्रेस का बोर्ड बनने से रह गया, फिर भी जो हमारे युवा अधिशासी अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद निर्वाचित पार्षदों द्वारा या कांग्रेस जनों द्वारा जो भी कार्य पुष्कर विकास के और पुष्कर तीर्थ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया जाता है, वो समय समय पर जब जब भी कांग्रेस पार्षदों ने कार्य बताएं वो कार्य त्वरित गति से उन कार्यों को अधिशासी अधिकारी द्वारा पूरा किया गया और नगर पालिका की जो टीम अभी है वो निरंतर सबके कार्यों के प्रति संवेदनशील है, सबके काम जो नियमानुसार काम है वो निपटाए जा रहे हैं और जो पिछले 5 साल की गंदगी है उसको धीरे धीरे ही साफ किया जा सकता है। इसमें जो आज जिस प्रकार से निष्कासित कांग्रेसजनों ने के साथ पदाधिकारियों ने आके और जो नारेबाजी की ये अशोभनीय कृत्य है उनका और ये पार्टी की छवि को धूमिल करने वाली गतिविधि है और इस कृत्य के लिए हम ये सब आज कांग्रेसजन और निर्वाचित पार्षद इस बात की निंदा करते हैं और किसी प्रकार की कोई कमी पुष्कर विकास में राज्य सरकार कांग्रेस सरकार कहीं भी नहीं रहने देने वाली है और जो भी कार्य पुष्कर में हो रहे हैं उन सब में हम सब निरंतर सक्रिय रह के पुष्कर के विकास में जुटे हुए हैं और ये कार्य निरंतर पुष्कर विकास का हम लोग करते रहेंगे। आपका नाम? अरुण पारा। एक मिनट, कार्य जो ज्ञापन दिया गया उसमें आरोप लगा है संगठन के अध्यक्ष भी हैं, आपके निर्वाचित पार्षद भी हैं, उसमें आरोप लगाया गया था कि जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र नहीं बढ़ रहे हैं, सड़कें खराब है, तो क्या उनके आरोप गलत है, क्या काम हो रहे हैं? उनको व्यक्तिगत रूप से लाके ये बताने चाहिए कि किसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना या किसका नामांतरण नहीं हुआ, तब बात सामने आती है। और जहां तक वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे हैं, तो काम तो लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हारे हैं, विधानसभा चुनाव हारे हैं, नगरपालिका चुनाव हारे हैं और जो निष्कासित कांग्रेस जन है उनके साथ आके नारेबाजी करना ये कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करने से का ही ये कृत्य है उनके द्वारा किया गया। जिस तरह से ये गुटबाजी चुनाव के पहले भी थी और आज भी लगातार चुनाव जीतने के बाद भी जारी है, तो आगे क्या किस तरह से? देखिए, कोई गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी तो अपन यदि सामने लाके बेवजह यदि इसको तूल देते हैं तो ये गुटबाजी है, वरना ये जिनको निष्कासित किया गया उनको खुद को अभी पट्टा मिला नगर पालिका से क्या, तो फिर वो कैसे कह सकते हैं कि नगर पालिका में काम नहीं हो रहा है? काम तो नगर अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है आपके नगर अध्यक्ष, तो नगर अध्यक्ष स्वयं जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नगर अध्यक्ष लोकसभा हम हारे हैं उनके नेतृत्व में और जब वो ये चुनौती दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ, तो जब वो लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में हारे हैं, विधानसभा हारे हैं, नगर पालिका हारे हैं, तो उनको नैतिकता के आधार पर वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए जिससे नया अध्यक्ष बने, कांग्रेस में नया संचार आए। अब आज उन्होंने कहा कि कल सीएम को जाके ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देना अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, पर लेकिन जहां तक नगरपालिका में काम की बात है जो भी आएगा उसका काम नगरपालिका को करना पड़ेगा। जब से नगरपालिका बोर्ड बना है हमारे अधिशासी दिए इतने डायनामिक है कि जितने भी जनहित के काम है और जितने भी जगह जगह जाके उन्होंने मतलब खुद जाके स्वयं जाके वो कार्य करा रहे हैं, जिसका पुष्कर मेला भी आपके सामने था, अच्छा भरा है और जनहित के काम भी अभी तत्काल किसी भी प्रकार का जनहित एक भी काम नहीं रहा है, सबको पट्टे मिले, जिसने भी एप्लीकेशन लगाई है आप बताइए नगर पालिका को नहीं करते, हम ईओ साहब के करेंगे, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है ईओ साहब जितना भी काम है कोई आज की तारीख तक पर इनका पेंडिंग नहीं है। आप ब्लॉग अध्यक्ष हैं लेकिन संगठन संतुष्ट नहीं है। देखो, संतुष्ट तो कोई आज तक हुई नहीं है, लोग मैं देख रहा हूँ 5 साल ये थी तभी टेबल उखाड़ी गई है, कैसे है? अब घर की कांग्रेस तो चल नहीं सकती है, सबको मालूम है कि कौन क्या है, लेकिन जो कांग्रेस है सब एक है और गुटबाजी ये करते हैं, गुटबाजी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो आमजन के लोग हैं, इसमें किसी प्रकार की पार्टी पॉलिसी नहीं होनी है और अधिशासी अधिकारी को बताना चाहिए काम है तब काम होंगे ना, और जबरदस्ती किसी का आरोप लगाना ये गलत बात है, कांग्रेस पार्टी के खुद पदाधिकारी है ऐसा अगर आज उन्होंने किया तो ये गलत है, संदेश गलत है और इनके खिलाफ ऐसे कांग्रेस पार्टी का अगर अध्यक्ष है तो इनको ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आपका कहना का मतलब है अगर नगर अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए ईओ पर और ये जन समस्याएं उठाई वो गलत है? वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, आप काम बताइए ना, अगर काम नहीं करते तो हम करेंगे, हम शिकायत करेंगे ना, काम तो तत्काल हो रहे ना, अगर कोई लीगल अनलीगल काम होगा तो अनलीगल काम तो होगा नहीं, आप बताइए, आप कैसे आरोप लगा सकते हो एक अच्छा अधिकारी के ऊपर,
आज सब नगर पालिका काम कर रहे हैं, आप काम नहीं करें तो हमारे को बताइए, हमारी नहीं बनती तो आगे बताइए ना काम। लेकिन लड़ाई झगड़े से किसी अधिकारी पर आरोप लगाना यह बिल्कुल निराधार है, यह गलत है। वो काम द्रुत गति से हो रहे हैं और होंगे काम, बजट नहीं होने के बावजूद भी आप देख लीजिए सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई अच्छी हो रही है, घाटों का दिन देख लीजिए, बिल्कुल सफाई से संतुष्ट है। नहीं तो कचरे यहाँ पे नगर पालिका में इकट्ठे हो जाते हैं, कैसे कह सकते हैं सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। आज इतने धार्मिक तीर्थ स्थल पर्यटक पुष्कर है, धार्मियों का हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, फिर भी ये सब लोग सफाई व्यवस्था से संतुष्ट है, कार्य संतुष्ट है। क्या ज्ञापन दिया आपने भी? हमने ज्ञापन ये दिया है कि यो अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका की टीम बनकर एकजुट होकर सब काम कर रही है और बिना भेदभाव के ये नगर पालिका टीम काम कर रही है। सीईओ साहब हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मैंने इतने सालों में जो सफाई व्यवस्था पुष्कर में नहीं देखी थी, आज मेरे को देखने को मिल रही है कि आज सफाई के लिए एक एक गली गली में ट्रॉली घूम रही है और ये जनता के ऊपर है कि वो सपोर्ट करें सीईओ साहब को, और इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए। अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो सीईओ साहब भी क्या करेंगे। योगदान बहुत अच्छे अधिकारी हैं, आज तक जिस कहने के साथ ही काम होता है। कार्य बताएं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है, चाहे साफ सफाई का हो, चाहे पानी का हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उन्होंने हमारी जल्दी से हल की है और कोई किसी बात की कोई टूटती हुई हो।